नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रजनी जी हैं जो 1998 से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। लगभग इनको 20-25 साल हो गए हैं आते हुए। जानते हैं इनसे इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के साथ। रजनी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 20-25 साल हो गए आपको डेरा सच्चा सौदा। हाँ जी। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने से भी ज़्यादा विश्वास है। क्यों? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? हमारे माँ बाप, हमारे हस्बैंड नशों से मुक्त हैं, इसलिए हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भी नशों से मुक्त रहेंगे। हम डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं। इनका सबसे ज़्यादा जो समाज को देन है वो नशों से दूर करना है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो नशे करते हैं उनकी आज जिंदगी कितनी ख़राब हो रही हैं, और हमारे हस्बैंड, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भरा वो नशों से मुक्त हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुखद माहौल है। समाज के लिए क्या, मतलब बेटियों के लिए क्या योगदान रहा है डेरा सच्चा सौदा? बेटियों के लिए बहुत बढ़िया योगदान रहा है, क्योंकि पिताजी ने जो आज मुहिम छेड़ी हुई है, बेटा और बेटी को एक समान समझा है। कभी भी बेटियों को ऐसे नहीं महसूस होने दिया। जब हम डेरे में आते हैं तो सबसे ज़्यादा हम सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी और जगह पर जाते हैं तो लड़के और लड़कियां आपस में इकट्ठे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है आज के समय के, आज के माहौल में। यहाँ पर बेटियां अलग रहती हैं और बेटे अलग रहते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी जगह है। मीडिया में काफ़ी सवाल उठाया जा रहा था बेटियों की सुरक्षा को ऊपर, सुरक्षा को लेकर। नहीं, यहाँ से हम 98 से मैं जुड़ी हुई हूँ, कभी भी हमको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम यहाँ असुरक्षित हैं। आप कहाँ कहाँ घूमी हैं आश्रम में? पूरी जगह देखी हुई है आपने? हम यहाँ सारा डेरा घूमे हैं, जो दूसरा डेरा है वहाँ भी गए हैं, अपना हमने सेवा भी की है यहाँ पर। कभी भी असुरक्षित? रात को भी रुके हो कभी आप? हाँ जी, हमेशा 3-3 दिन और हफ्ता हफ्ता भी हम यहाँ पर रात को रुके हैं। कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम, ऐसे महसूस होते हैं जैसे हम घर में ही रह रहे हों, कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया हम। गुरु जी का नेचर कैसा लगता है? गुरु जी का नेचर बहुत बढ़िया है, और हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते हैं। उनका करैक्टर कैसा है? करैक्टर तो हमारे समाज में सबसे ऊंचा है उनका। कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि कहीं हम, ऐसे लगता है जैसे हम अपने माँ बाप से ही बात कर रहे हैं। कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं किया है। जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा है वो सरासर गलत है ये। जो आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो भी सरासर गलत है ये। कोई भी एक व्यक्ति कुछ भी बोल दे पिताजी के खिलाफ, वो हमको मंजूर नहीं है। 4 साल होने वाले हैं अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? हमारे समाज में नशों की भरमार बहुत ज़्यादा है, बेटियां असुरक्षित हैं। जबकि हम सबसे पहले नाम लेते हैं तो हमें 3 बातें सिखाई जाती हैं कि हम नशे से दूर रहें। जो भी हमारे से बड़ा है उसको माता समान समझे, जो औरत है, और छोटी है तो उसको बहन, बेटी के समान, और जो बराबर की है उसको बहन के समान दर्जा दिया। ऐसे जो हमारे अंदर विचार पैदा किए जाते हैं उसके हिसाब से हमारे समाज को बहुत बड़ी सेध मिलती है। क्या ज़रूरत है मैम उनके समय? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये, क्योंकि हम देखते हैं खुदकुशी कर रहे हैं नौजवान लड़के लड़कियां, और जैसे कि लव मैरिज वगैरह हो रही हैं, और बाद में उनके साथ जो भी व्यवहार हो रहा है लड़कियों के साथ वो बहुत मंदभाग्य है। और नशों की भरमार बहुत ज़्यादा है, हमारे जो नौजवान बेटे हैं वो नशों में पड़ गए हैं, और यहाँ तक कि हमारी बेटियां भी नशों में ग्रस्त हो रही हैं। संत जी समाज में वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव आपको लगता है समाज? बहुत बड़ा बदलाव आएगा जी। हमारा समाज जो आज है वो ऐसा समाज नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा हम सुरक्षित महसूस करेंगे, और हमारे जो बच्चे हैं वो, उनके जो स्वभाव में, जहाँ जो खुदकुशियाँ, जहाँ कुछ भी हो रहा है समाज में असभ्य है, वो सभ्य बन जाएगा। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी जल्द से जल्द समाज में वापस आएं, और उनकी जो समाज को देन है वो 131 जो सेवा कार्य चला रहे हैं, वो सेवा कार्य और बढ़ चढ़ कर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील की जा रही है कि संत जी समाज में वापस आएं। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत